चलिए कसौल चलिए फिर है तू ही कह रहे हैं गलत है साढ़े तो सही है किदा गलत गुड इवनिंग गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज तो भाई पूरा दिन मैं घर पे था कहीं भी नहीं गया ऐसा सच मैंने कुछ देखा भी नहीं लेकिन फिर भी घर पे ही था समझ रहे हो आप भाई। कुछ कुछ दिन होते हैं ऐसे जब इंसान का कहीं निकलने का मन नहीं करता कहीं जाने का मन नहीं करता इंसान कहता है कि यार घर पे ही रहो समझ रहे हो। बाकी बहुत से अपडेट मेरे को आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि पहले ईशा ने अभिषेक को चुन लिया फिर समर्थ को चुन लिया तो पहले एग्जैक्ट देखेंगे मैं ऐसे बिना देखे नहीं चीज़ें बोलता पहले देखेंगे अब पहले चलते हैं दोस्तों को मिलते हैं एंड फिर मुलाकात करते हैं क्या सीन है अभी क्या क्या करेंगे क्योंकि यार संडे है कुछ ना कुछ तो तूफानी मेरे हिसाब से होना चाहिए समझ रहे हो कुछ ना कुछ तो तूफानी मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलो चलते हैं चलिए कसौल चलिए फिर तू ही कह रहे हैं गलत है साले तो सही है किदा गलत किदा बंदे ने कुछ भी टच नहीं किया यार कुछ भी टच नहीं किया बड़े पैसे तेरे की खराब हुए गाइस तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कादियां हां जी कादी भाजी जय श्री राम की आ रही है तो कल मुंडे जा रहे हैं पानीपत जा रहे हैं मुंडे कल नहीं आज ही निकल रहे हैं बस 9:15 बजे ना ये 9:15 बजे निकल रहे हैं। ओ मुंडा किधर रह गया पंपेरियन केड़ा दोस्तों को छोड़ दिया है एंड यार एक्चुअली क्या है कि दिवाली से एक दिन पहले हम मनाते हैं काफी सालों से हनुमान जयंती और हनुमान जी के बाने निकलते हैं मतलब अगर आप मेरे पिछले साल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हनुमान जी मैं किनकी बात कर रहा हूँ बस उसकी तैयारियां तुरियां हम लोग ही करते हैं एंड एंडी तो फिर अब बाहर है अमेरिका में है तो बस उसको इंक्लूड करके सारा सिस्टम उसके हिसाब से ही फिर सारा सीन करते हैं हम लोग। भाई देखने वाला फंक्शन होता है वो मतलब अपनी तरफ से हम बहुत बढ़िया करते हैं बाकी हनुमान जी की कृपा मर्जी हो सब हो तो सब बढ़िया हो जाता है सिस्टम बढ़िया हो जाता है भाई जी तो बाकी अभी मैं जा रहा हूँ घर पे मेरी 8:30 बजे एक फिर से जूम इंटरव्यू है एंड वो भी करनी है अभी जाके। चलो बढ़िया है यार अपने भाई के किसी के काम आ रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया है ना सिस्टम। बाकी पहले मेरे को ये इंटरव्यूज वगैरह देनी ना मेरे को पर्सनली खुद को बहुत पसंद है एंड तो इस वजह से मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ समझ रहे हो। तो चलो पहले अभी घर चलते हैं एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे।
ਗੱਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। चलो अंदर जाके मिलते हैं गाइस। सो हेलो गाइस, मैंने अभी एपिसोड देखा एंड जिसमें अभिषेक बहुत बुरी तरह रो रहा था और ये समर्थ उसकी अंदर टीज कर रहा था आ आ आ करके, और मनस्वी जो वाइल्ड कार्ड आई है वो बोल रही है कि एक्टिंग कर रहा है। इन दोनों की गेम तो एक हफ्ते में पता चल जाएगी ये कहां तक पहुंच सकेंगे, जिसमें इंसानियत नहीं है मेरे हिसाब से, वो बंदा जीरो है। रही बात समर्थ की, जो धमकियां दे रहा है मंडी गोविंदगढ़ का, चूजा बोल रहा है, कसम खुदा की कुत्ता ना बनाया इसको, अगर बाहर कुछ हुआ ना तो कसम खुदा की इसको कुत्ता ना बनाया तो मेरा नाम भी माधव नहीं। मैं कह रहा हूं शो पे तुम स्टार बन लेते हो ये सब बोल के, हम बोलने वाले में से नहीं है, करने वालों में से है। सीधी सी बात, वो बंदा सीरियसली रो रहा है और तुम लोग उसकी नकल उतार रहे हो, रोते को बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं जो मर्जी बोल ले तू, कुछ कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कटा तो तेरा भी है, जैसे अभिषेक का कटा है कटेगा तेरा भी। लेकिन ये जो तो धमकी दी है ना मंडी गोविंदगढ़ का, चूजा चूजा बोला है, आधा किलो का नहीं है तू, आधा किलो का जिसको बोलते हैं ना, तेरे को क्या लग रहा है वो अकेला है भाई? तू बाहर आ जाना एक बार, सिस्टम हमारा भी देख लेना तो तेरे को पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम है क्या। और तेरे फैंस को भी बोलता हूं जिसको जो करना है वो कर ले, ऐसे ही अड़े रहेंगे, ऐसे ही उसके स्टैंड में खड़े रहेंगे अभिषेक के। और एक और बात, समर्थ बोलता है कि मुझे इसकी शक्ल देख के बहुत खुंदस आती है, बहुत गुस्सा आता है, ईशा को बोल रहा है, हीरो बन रहा है ना, पिछले एक साल से तू इसके साथ है और डेढ़ साल से हम शरेआम घूम रहे हैं, बॉम्बे में घूम रहे हैं, कहाँ हमारा स्टूडियो है, कहाँ हम रहते हैं, थार में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, पोलो में घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, व्लॉग डेली अपलोड कर रहे हैं। अगर तेरे में इतना दम था आ जाता सामने, कर लेता आमना सामना, शरेआम ही तो घूम रहे थे हम, बहुत बड़ा हीरो बन रहा था ना तू, या बहुत बड़ा विलन बन रहा था तू, तो एक बारी आ जाता सामने, हमसे कर लेता बात, वही वाली बात अगर तूने बाहर बोली होती ना कि तेरी शक्ल देख के खुंदस आती है, तो इंसान याद रखना कि फिर तेरी शक्ल देख के दूसरों को तरस बहुत आना था मेरे भाई। शरेआम घूम रहे थे हम लोग, ढूंढ लेता हमें, और ढूंढने भी कहाँ जाना है, डेली व्लॉगिंग करते हैं, तेरे को पता ही है हमारा स्टूडियो कौन सा है, कहाँ हम उठते बैठते हैं, कौन से जिम में जाते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, बम्बई में, तो आ जाता, क्या दिक्कत थी। शो पे हीरो नहीं बनने का, अगर गुदा रखते हो तो फिर हर जगह रखो, शो में आके हीरो नहीं बनना, विलन नहीं बनना, शरेआम घूम रहे थे हम, दम होगा अब इस बात का स्टैंड रखना होगा तो बाहर फिर से हमें मिल लेना, फिर दोबारा से मिल लेना हमें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन समय लगेगा बहुत सी चीजों में, उसको समय लगेगा, लेकिन वो हार मारने वालों में से नहीं है। जो इंडस्ट्री में कदम रखता है जो बंदा, वो ही बंदा रख सकता है जो हार कभी ना माने। आपको भी पता है ये इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक योर नेम एंड स्टे स्टेबलाइज्ड इन दिस इंडस्ट्री। वो ये दौर पार कर लेगा, लेकिन बहुत आंसू निकलने वाले हैं उसके। और सो गाइस, बिग बॉस देख रहा था मैं एंड भाई कितना गलत बंदा है बिग बॉस में वो समर्थ। अभिषेक उधर रो रहा था और वो उसकी एक्टिंग कर रहा था, उसको टीज कर रहा था, और ये जो मनस्वी आई है ये भी बोल रही कि भाई इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है, जो तन लागे सो तन जा, जो तन लागे सो तन, पता नहीं की सी क्या भूल गया, जो तन लागे सो तन जाने। यस, धमकियां दे रहा है गोविंदगढ़ का चूजा एंड ऑल, चूजा चूजा मत कर, सीधी सी बात तू बाहर आ जाना, तेरा कुत्ता ना बनाया ना। गाइस, मैं अपनी रील्स पे बहुत एक्टिव रहता हूँ इसको बिग बॉस को लेके, एंड अभिषेक को सपोर्ट करें गाइस, बहुत जरूरी है उसको सपोर्ट करना। रही बात जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं,
अभिषेक पे कि थप्पड़ मारा था पूरा गाल नीला हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, जिनकी सारी अभी तक गेम झूठी है वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को नीचे गिराने के लिए झूठा नाम लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि वो अग्रेसिव नहीं है, अगर हाथ वगैरह भी उठाया होगा तो दोनों तरफ से होगा, अकेला वो ही नहीं करने वाला। बाकी इसकी मैं फुल एक्सप्लेनेशन रील्स पे दूंगा आज। एंड बढ़िया चल रहा है यार, तुम्हारे भाई के साथ दुनिया इंटरव्यू कर रही है, तुम्हारे भाई के पर्सपेक्टिव सोच रही है, पूछ रही है, विच इज़ वेरी गुड। एंड बस सुबह उठ के ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ यार, रात को एंड करना भूल ही गया, सो ही गया था, सारी रात फोन बजता है गाइस, सारी रात। चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव, राधे राधे।